पानी भी अंदर नहीं आने दे रहे, पानी हमारा खाना सब बंद कर दिया इन्होंने के अंदर नहीं जाने देंगे कुछ भी। जब सुप्रीम कोर्ट में है तो क्यों बोला जाए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो कैसे बोला जाए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ फिर दंगल, देश की चैंपियन बेटियां मांगे इंसाफ, देश के लिए बढ़ाया मान है इंसाफ की दरकार। आज देश को वो बेटियां राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रही हैं, जो दुनिया भर में देश का नाम रोशन करती हैं। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। देश के नामी पहलवानों को अब किसानों का समर्थन भी मिलने लगा है। सोनीपत से किसानों का एक जत्था जंतर मंतर के लिए रवाना हो गया और किसानों ने पहलवानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। पहलवानों के साथ किसान नेताओं ने ऐलान किया कि जब तक कुश्ती संघ के चीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक दिल्ली से वापसी नहीं करेंगे। सरकार से लेकर खेल मंत्रालय इस मसले पर चुप्पी साधे हुए है, लिहाजा ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनाई करेगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। आखिरकार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम फैसला सुनाएगी? दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। आज धरने का तीसरा दिन है जहां पर किसान जो पहलवान हैं वो धरने पर जो है वो बैठ गए हैं। अगर सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जो है वो यहां पर धरने पर बैठे हैं, और साथ ही साथ जो इनके साथ जो है इनके जो सगे संबंधी हैं या दूसरे पहलवान हैं वो भी इनके समर्थन पर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरीके से तीन दिन से धरना जो है वो यहाँ पर जारी है, और तीन दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं सुशील गुप्ता, उन्होंने यहाँ पर समर्थन दिया है, और साथ ही साथ कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है उन्होंने यहाँ पर अपना समर्थन जो है इन पहलवानों को दिया है। अगर बात करें रात की तो जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने भी यहाँ पर आकर जो है इनसे कल शाम में बातचीत जो है वो की है, लेकिन कोई अभी तक इनकी समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लाखों किसान सिंगू बॉर्डर की तरह जंतर मंतर पर डेरा डालेंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। धीरे धीरे पहलवानों का दंगल अब सियासी अखाड़े में भी तब्दील होता जा रहा है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पूछा कि सरकार किस मुंह से बेटी बचाओ का नारा देती है, देश की बेटियां तो पिछले तीन महीने से न्याय के लिए भटक रही हैं। बहुत शर्मनाक बात है, और मैं यहाँ से जाते ही उनसे मिलने जाऊंगा, बच्चियों से। कितनी मेहनत करके कितनी बुरी स्थितियों में वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, और उनका और कोई भी महिला जब ये कहे कि मेरे आबरू पे हमला किया गया तो बहुत मजबूरी में कहती है, और आप उसकी FIR भी नहीं कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, अपने MP को हटा नहीं। आइए सुनवाते हैं आपको पहलवानों की जुबानी। मैं बताना चाहूंगी, हमने दो दिन पहले CP पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी, और दो दिन हो गए हैं अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी सात लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। सेक्सुअल हैरेसमेंट के का मामला था और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। ढाई महीने हो गए, ढाई महीने से ऊपर ही हो गए करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन ढाई महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है, और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि ढाई महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा, क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। वही इस मसले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मलिवाल ने कहा कि पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को जो यौन शोषण की शिकायत दी उस पर दो दिन तक भी FIR दर्ज क्यों नहीं हुई।
देश की कई महिला रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस को दो दिन पहले एक रिटन कंप्लेंट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। इन कंप्लेनेंट्स में से एक लड़की माइनर भी है, पर दो दिन हो गए और अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं करी है। लड़कियों ने हमें बताया कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस से जानने की कोशिश की कि FIR क्यों नहीं करी गई और होगी भी या नहीं, तो दिल्ली पुलिस ने बोल दिया कि बाद में देखेंगे। उन्होंने ये भी बताया लड़कियों ने कि किस तरीके से FIR तो हुई नहीं, बल्कि उनके नाम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक पहुंच गए और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स उनको कॉल कर करके और उनके परिवार वालों को कॉल कर करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन लड़कियों ने कंप्लेंट करी। तो ये कैसा गुंडा राज चल रहा है? ये जो WFI का प्रेसिडेंट है, क्या ये सच में कानून के ऊपर है? दरअसल 18 जनवरी 2023 को कुश्ती महासंघ और पहलवानों का ये विवाद सामने आया था। जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज पहलवान इकट्ठा हुए थे। उस दिन भी शाम 4 बजे कुश्ती खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने प्रमुख तौर पर 5 आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया गया है। ब्रजभूषण पर क्या है पहलवानों के आरोप? यौन शोषण, तानाशाही, मनमानी, अपशब्दों का प्रयोग, मानसिक प्रताड़ना, आवाज उठाने पर धमकाने का आरोप। तमाम वाक्य के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सरकार और खेल मंत्रालय इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम तो नहीं किया जा रहा? लेकिन जब बात देश की बेटियों की स्मिता और भविष्य पर आए तो सरकार को चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।